मृत्यु पर जय पाने वाले, शैतान पे जय पाने वाले, भय दूर करने वाले, जगत पे जय पाकर जी उठने वाले कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले मेरे पुत्र, तुझे शांति मिले मेरी पुत्री, तुझे शांति मिले, तुम मत डरो, तुम्हें शांति मिले। डर दूर करके शांति देकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हर एक महीने प्रभु एक वचन देकर हमें सामर्थ्य देते हैं, संतुष्ट रखते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं और वचन के अनुसार वो आशीर्वाद देते हैं। जो भी उस वचन पर विश्वास रखकर ये मेरे लिए है कहकर प्रार्थना करता है, उन्हें उस वचन अनुसार आशीर्वाद मिलता है, ऐसा हम देखते हैं। तो इस महीने प्रभु कौन सा वचन दे रहे हैं? पवित्र शास्त्र में पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 19वां वचन। यीशु मसीह के चेले यीशु को क्रूस पर लटकाया और उसे दफनाने के बाद वो चेले यहूदियों से डरकर एक कमरे के अंदर सारे दरवाजे वगैरह बंद करके बैठे रहते हैं। बाहर निकलने से डर रहे थे, किसी को देखने से भी डर रहे थे। ऐसे कई तरह के डर उनके मन में बैठ गए थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले मेरे बच्चों, तुम्हें शांति मिले, ऐसा कहा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि हम यीशु मसीह को फिर से जीवित देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं था। यीशु ने अपने जीवित होने के बारे में बताया था, फिर भी उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब यीशु ने आके खड़े होकर जैसे ही कहा तुम्हें शांति मिले, सारा डर उनका दूर हो गया, उनके मन को शांति मिली, बहुत बड़ी खुशी आई। इस प्रकार हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं और आज वही जीवित यीशु मसीह आपसे रूबरू मिलकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तुझे शांति मिले, मेरी पुत्री तुझे शांति मिले, मेरे बच्चों तुम्हें शांति मिले, तुम मत डरो, मैं जीवित हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कोई ना कोई डर, डराने जैसी परिस्थिति बाहर से दिखने में भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन अंदर मन में कोई एक ऐसी बात है जो आपको डरा रही है, उससे एक डर पैदा होता है। वो डर बाहर दिखाए बिना खुश हूँ ऐसा जताकर, भले ही आप कहें कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मन ही मन आपको एक डर सता रहा है। इसीलिए तो आज के दिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मत डरो, और कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, ऐसा वचन दे रहे हैं। तो डर दूर करके हमारे मन को शांति देकर प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। ये चेले अपने जीवन में बहुत डर गए थे, इसलिए कमरे के अंदर बैठे हुए थे। ये भय कितनी वेदना पहुंचाता है, ये पवित्र शास्त्र में एक यूहन्ना 4:18 वचन में हम पढ़ते हैं। मन के अंदर यदि भय बैठ जाए तो शांति और संतुष्टि छिन जाती है। हम जो काम करते हैं और हमारी कोशिशों में नुकसान होता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है। नौकरी करने वाले बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। डर 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 रहता है। इस डर के कारण ही अनेक लोग असफल हो जाते हैं, आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, सारी संतुष्टि छिन जाती है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम मत डरो, तुम्हें शांति मिले, मैं जीवित हूँ ना, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, मृत्यु पर जय पाने वाले, शैतान पे जय पाने वाले, भय दूर करने वाले, जगत पे जय पाकर जी उठने वाले कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा डर दूर करके मैं अपनी शांति से तुम्हें भर दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। ठीक है, चेलों की जब प्रभु से भेंट हुई तो उनके चेहरे पर कैसा डर दिखाई दिया। डर में भी अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। यीशु मसीह जब चेलों के पास पहुंचे तो उस समय 3 प्रकार के डर उनके अंदर दिखाई दिए। उसी तरह से आप में भी किसी एक कार्य को लेकर डर है। प्रभु आपसे मिलकर आज के दिन आपका डर दूर करके आपको शांति देंगे। सबसे पहला जो डर है, मनुष्यों को लेकर डर। वो यहूदियों से डर रहे थे, इसलिए ये हम बाइबल में देखते हैं। यहूदी धर्म के ठेकेदारों ने ही यीशु को मारा और क्रूस पर लटकाया, और इसलिए यही मनुष्य हमें भी जान से मार डालेंगे, इस तरह का एक डर उनके अंदर दिख रहा था। इसलिए बाहर निकलने में डरने लगे और एक ही कमरे में बंद होकर रहने लगे। तो मनुष्यों को लेकर डर।
ये मनुष्यों का डर आपके आंसू बहाएगा, ये भी बाइबल में देखते हैं। आज अनेकों के जीवन में मनुष्यों को लेकर डर भरा हुआ है और इस डर के कारण ही अनेक लोग छुटकारे के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आशीर्वाद को सही से अपना नहीं पा रहे हैं। वो अपने जीवन में कई रुकावटें देखते हैं। मैं एक जवान बेटी को जानता हूँ। पढ़ाई पूरी करते ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, मेरे लिए प्रार्थना करो अंकल। ऐसी प्रार्थना के बाद यीशु ने उसे नौकरी दी। उसने बहुत खुश होकर कहा कि प्रभु ने प्रार्थना सुनी और मुझे एक नौकरी दिला दी, ऐसा उसने बताया। कुछ महीनों के बाद आकर बताया कि ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए, उसे छोड़ना चाहती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा उसने कहा। नौकरी पाने के लिए एक प्रार्थना, अब नौकरी छोड़ने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रही है। समस्या क्या है बताओ? जब उससे पूछा कि जहाँ मैं नौकरी करती हूँ वहाँ मेरे से अगली पोस्ट पर एक बहन बैठती है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे डांटती रहती है, मुझमें कमियां निकालती रहती है, मुझसे बहुत मेहनत करवाती है, जिस काम का संबंध नहीं वो काम भी करवाती है। मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन सब लोगों के बीच वो मेरा अपमान करती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जब देखो डांटती रहती है, इसलिए उस काम पर जाने पर भी मुझे डर लगता है। पता नहीं आज क्या बोलेगी, क्या बोल के डांटेगी, क्या कमी निकालेगी, क्या क्या बोल के अपमान करेगी, उसे फेस करने में ही मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अपनी उस नौकरी पर डरते हुए ही जाती हूँ, इसलिए मुझे वो काम नहीं चाहिए। तब उस बेटी से मैंने बात की, बाइबल के वचन बोलकर उसे सांत्वना दी और कहा ऐसे प्रार्थना करो, यीशु मसीह तुम्हारे संग हैं, तुम वहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर विश्वास रखकर तुम मेरे संग हो, इसलिए मैं हर समस्या का सामना करूंगी, प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, ऐसा बोल के जाओ। ऐसे समझा के प्रार्थना करके उसे भेजा। ठीक है अंकल, बोलकर चली गई। फिर 2 महीने के बाद आती है, बहुत खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ आई। मैंने पूछा नौकरी कैसी चल रही है? अंकल जैसा आपने कहा, मैं प्रार्थना करके मैं यीशु के संग जा रही हूँ, ऐसी मैंने आदत डाल ली। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे ऊपर जो थी, जो मुझे परेशान करती थी, वो ट्रांसफर होकर चली गई और मुझे प्रमोशन देकर उसकी पोस्ट पर बैठा दिया, वो पोस्ट मुझे दे दी। बस इतना ही, प्रभु ने चमत्कार किया। जिस बात को लेकर आप डर रहे हैं दुष्ट मनुष्यों के कारण, जहां आप रहते हैं, जहां नौकरी करते हैं या जहां बिजनेस करते हैं, आपसे जलन के मारे उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी उन्नति रोकना चाहते हैं, रोकने का प्रयास करेंगे। सेवकाई में भी ऐसे हैं, कलीसिया में भी हैं, तो क्या जगत में सब जगह नहीं होंगे? ऐसे लोग सब जगह होते हैं। इसलिए ईर्ष्या रखने वाले लोग, दुष्टता से भरे लोग कुछ समस्याओं के आने का कारण हैं, जिनसे रुकावटें आती हैं। अब वो किस बात से जलते हैं? एक बार एक परिवार मिलने के लिए आया। मेरी बेटी की शादी में रुकावटें आती जा रही हैं। कोई रिश्ता आता है तो आखिर में वो रिश्ता टूट जाता है, ब्रदर प्रार्थना करो, ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे गांव में एक परिवार ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है, हमारे खानदान में कोई भी शुभ काम वो होने नहीं देते, लड़के वाले कोई रिश्ता लेकर आते हैं तो ये लोग वहां जाकर हमारे बारे में बुरा भला बोलकर रिश्ता तुड़वा देते हैं। इस तरह इन्होंने कई शादी के रिश्ते तुड़वा दिए। इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों को देखने से भी डर लगता है, अब तो उस गांव में रहने में भी डर लगता है, उन्होंने कहा। ऐसी परिस्थिति में आप भी हो सकते हैं, नौकरी की जगह पर या आप जहां रहते हैं। तो मैंने कहा लोग रोकने की कोशिश करते हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं जो काम करूंगा उसमें रुकावट नहीं आएगी, प्रभु के कार्य को भला कौन रोक पाएगा? वो रोक रहे हैं यानी परमेश्वर की योजना है, ये सही नहीं है, बाद में रिश्ता टूट जाएगा, इस तरह की रुकावट प्रभु की अनुमति के बिना नहीं आएगी। पहले आप इस पे विश्वास रखें, उनका जो अधिकार है वो सबसे बड़ा है, उनके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है, इसलिए आप मनुष्यों को लेकर बिल्कुल ना डरें। यहोवा मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ऐसा हिम्मत से कहो, ये बाइबल में लिखा है ना, तो इस तरह से कहें। मैं जो सेवकाई करता आ रहा हूँ 45 वर्षों की सेवकाई में, कितने लोग मेरे विरोध में खड़े हुए, मसीही लोग खड़े हुए, गैर मसीही लोग भी खड़े हुए, कई संस्थाओं ने विरोध किया, कई अधिकारियों ने विरोध किया, मुझे रोकने के लिए, मुझे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लोगों ने कैसे कैसे कार्य नहीं किए, बहुत ही भयानक डराने वाले कार्य थे, लेकिन प्रभु ने अपमानित नहीं होने दिया, ना ही मुझे असफल किया। हिम्मत बढ़ाई कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ऐसी हिम्मत बढ़ाकर, हौसला बढ़ाकर, जय दिलाकर मुझे चलाया। आपके जीवन में भी
मनुष्यों के द्वारा जो डर आ रहा है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। उन दुष्ट मनुष्यों से भी आपके संग जो यीशु हैं वो बड़े हैं। वो आपके संग हो तो भय का सामना करके आप आगे बढ़ते जाएं। यहोवा मेरे संग है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ऐसा बोलकर हिम्मत से आगे बढ़ें। आप डरे नहीं, यीशु आपका डर दूर करने वाले हैं। दूसरा एक और डर जो इनके अंदर दिखाई दे रहा था वो था मरने का डर, क्योंकि धर्म के इन ठेकेदारों ने यीशु को जान से मार डाला, झूठे आरोप लगाकर उन पर अत्याचार ढाए, अधर्म के साथ बेईमानी करके वहाँ के लोगों ने अधिकारी से बात करके यीशु को मृत्यु दंड दिला दिया, तो अन्याय करके उनकी हत्या करा दी। कहीं वो हमें भी तो नहीं मार डालेंगे, ऐसा मरने का डर। डर के अंदर ये सबसे भयानक डर है, ये जो मरने का डर कहलाता है। अनेकों के मन में ये मरने का डर रहता है, इस बीमारी के कारण कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, इस दुर्बलता के कारण मैं मर जाऊंगा क्या, मेरे हृदय में हल्का सा दर्द है, हार्ट अटैक आके कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा डर। आपके शरीर में एकदम से कोई सीरियस समस्या आ गई, आपको सीटी स्कैन निकलवा के देखना है, इतना कोई कह दे तो डर लगने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इस तरह का एक डर। ये एक बहुत ही भयानक डर है जो मरने का डर कहलाता है। अब आप एक भाई को देखिए, उसके अंदर एक अजीब सा डर था। जब उसकी बात सुन रहा था तो उसने कहा कि भैया मैं बस में जाता तो मुझे बस में चढ़ने पर भी डर लगता था, कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं मर जाऊंगा, ऐसा डर। मेरे पास बाइक है, अगर मैं बाइक पर गया और बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो मर जाऊंगा, ऐसा डर लगता है। ठीक है, बाइक बस नहीं चाहिए, पैदल ही जा सकता हूँ। सोचा ऑफिस जाने के लिए कुछ किलोमीटर ही है, फुटपाथ पर पैदल चलते समय कोई गाड़ी अगर टकरा गई तो मैं मर जाऊंगा ना, इस तरह का डर लगता है। बहुत डर लगता था, हमेशा डर के बारे में ही सोचता, ऑफिस में जाकर बैठता, ये फैन अगर सिर पर गिर गया तो मैं मर जाऊंगा ना, ऐसा डर लगने लगता है। कुछ भी देखूं बहुत डर लगता है, ये अगर मैं किसी को बताऊं भी तो वो यही सोचेगा कि मैं पागल हूँ, इसलिए किसी से बताने में भी डर लगता है। अपने परिवार से बताऊं तो कहेंगे तेरे मन में वहम बैठ गया है, ऐसा बोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसमें खतरनाक बात यह है कि रात में सोने के लिए जाऊं तो पूरी रात जागे रहता हूं, सारी लाइटें ऑन करके चुपचाप बैठा रहता हूं, दीवार से टेका लगाकर, और सुबह होते ही बहुत ही थकावट के साथ मैं थोड़ा बहुत सो पाता हूं, इसलिए आराम से सोए हुए मुझे कई महीने हो गए हैं, ये डर। मैंने पूछा ऐसा क्यों, अगर मैं सो गया तो नींद में ही मर गया तो, इसलिए ऐसा डर। ये मरने का डर रात दिन उसे बुरी तरह सता रहा था, देखिए ये कितनी खतरनाक बात है ना। मैंने उसे बाइबल के वचन सुनाकर हिम्मत बढ़ाकर, दुष्ट आत्मा ये डर लेकर आती है, ये शैतान की क्रिया है, क्रिया नष्ट हो, उसके लिए प्रार्थना की, और प्रभु के छुटकारा दिलाने के बाद उसके जीवन में एक बड़ी प्रसन्नता। ये मरने का डर कईयों को किस हद तक ले जाता है पता है। एक बार श्रीलंका जब मैं सेवकाई के लिए गया था तो वहाँ एक सभा आयोजित की गई थी, वहाँ पवित्र आत्मा ने कहा कि एक जवान बेटी मरने के डर से बहुत ही परेशान है, वो जब देखो डरती ही रहती है, और उसकी हालत ऐसी हो गई है कि मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती, इसलिए मैं जहर पीकर मर जाती हूँ, इस प्रकार से उसने निर्णय लिया। ऐसी एक जवान बेटी आई हुई है, उसे बुला के उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कहा। मेरे बुलाने पर आंसुओं के साथ रोते हुए वो बेटी आई और प्रार्थना करते ही छुटकारा, मृत्यु के बंधन टूट गए, डर दूर हो गया। उसके बाद देखिए उसकी खुशी, अब वो प्रभु की जानकारी दे रही है, सेवकाई कर रही है। तो शैतान को देखा किस तरह से मरने का डर पैदा करके वो किसी का जीवन समाप्त करना चाहता है। आप में भी मरने का डर है, कईयों के मन में मरने का डर बैठ गया है, आज यीशु छुटकारा दिलाने वाले हैं। अब देखिए पवित्र शास्त्र में इब्रानियों दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन देखें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका भागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर मृत्यु के दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को सहा, क्यों? हमारे पाप, हमारी बीमारी, शाप, समस्याएं, निंदाएं, अपमान, ये सारे अत्याचार क्रूस पर उठाकर उन्होंने मृत्यु को सहा। मृत्यु पर जय पाने पर ही वो जीवित हो उठे, उन्होंने ही मृत्यु पर जय पाई। कैसे? जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी उस शैतान को,
पराजित किया, उसकी क्रियाओं को नष्ट किया। इसलिए यीशु के फिर से जी उठने के बाद इस मरने के डर से पूर्ण छुटकारा मिल गया। इसीलिए तो देखिए, चेले उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद, जीवित यीशु के दर्शन करने के बाद, वो मरने को लेकर बिल्कुल नहीं डरे। अब देखिए स्तिफनुस, उसे जब पत्थर से मार रहे थे तब भी वो ओहो कह के चिल्ला के नहीं मारा। खुशी खुशी मरने से वो बिल्कुल नहीं डरा। खुशी से मैं स्वर्गलोक यीशु के पास जा रहा हूँ, ऐसे दर्शन करने के लिए उसने मृत्यु से मेल मिलाप किया। पतरस को जान से मारने वाले हैं, उसे जेल में रखा गया है। कल सुबह भोर में उसे मरना है। रात में क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। अरे भैया, कल तुम्हें जान से मारने वाले हैं, राजा ने तुम्हें दंड देने के लिए आदेश दिया है। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मरूंगा तो स्वर्गलोक में यीशु के संग रहूंगा। उन्होंने बचा लिया तो मैं उनकी सेवकाई करूंगा, और क्या, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। शैतान लोगों के मन में जो मरने का डर लाता था, उसका यीशु ने अंत कर दिया। इसीलिए तो पतरस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु मेरे संग है, ऐसा हिम्मत से कहता है। आप भी कह सकते हैं, मरने का डर लाने वाले शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे फटकारता हूँ, आज ही आपको छुटकारा मिलेगा। रात की नींद खराब करके मरने का डर लाने वाला नासूर शैतान, जो तुम्हारा जीवन नष्ट करना चाहता है, यीशु के नाम से उसे फटकारें। जीवित यीशु, मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु मेरे संग हैं, वो मेरे हृदय में हैं। शैतान पर उन्होंने जय पाई है। जोर से अपने मुंह से बोलकर प्रार्थना करके देखें, मरने का डर दूर हो जाएगा। मरने का डर लाने वाला शैतान भाग जाएगा, और अवश्य आप एक चमत्कारी बदलाव आज से ही देखने वाले हैं। आपके घर में अगर कोई मरने से डर रहा है, तो उसे देखकर आप न डरें, उसे बुलाकर वचन बोलकर प्रार्थना करें। हमारे लिए मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु हैं, उन्होंने क्रूस पर शैतान पर जय पाई है। मृत्यु की शक्ति रखने वाले शैतान का सर कुचलकर जय पाई है। प्रार्थना करते समय ऐसी प्रार्थना करें, आपके परिवार को एक अच्छा छुटकारा मिलेगा। आप डरते क्यों हैं? हिम्मत रखिए, क्योंकि जीवित यीशु हमारे संग हैं। तो पहले ये मरने से डर रहे थे, उससे प्रभु ने छुटकारा दिलाया। उनके अंदर तीसरा डर कौन सा दिख रहा था? अपने भविष्य को लेकर डर। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो कुछ लोग तब मछुआरे थे, कुछ लोग दूसरा काम किया करते थे। प्रभु ने उन्हें अनुयायी बनने के लिए कहा, और सब छोड़ छाड़ के वो यीशु के साथ रहने लगे। काम छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कहा कि सब यीशु संभाल लेंगे। 3.5 साल तक उनका खाना, कपड़े, रहना सब यीशु संभालते रहे। अब यीशु मर गए हैं, उन्हें दफना दिया गया है। अब खाने पीने के लिए क्या करेंगे, कैसे जी पाएंगे? जब यीशु थे वो संभालते थे, अब आगे भविष्य, वापस जाने पर हमारा परिवार हमें स्वीकारेगा? यीशु के भरोसे गए थे ना, अब क्या हुआ? आधे रास्ते में ही तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा कहेंगे ना? अब कहीं काम कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, अब आगे क्या होगा? 3.5 साल तक सारे काम धंधे छोड़ दिए, अब क्या काम करें? इसीलिए तो देखो, चेलों को कुछ लोग मछली पकड़ने चले गए। खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। भविष्य को देखते हुए मछली पकड़ने गए, ऐसा पवित्र शास्त्र में देखते हैं। इस तरह से भविष्य को लेकर डर कि अब क्या करेंगे। आज आपके मन में भविष्य को लेकर डर होगा कि कल के लिए क्या करें, आगे भविष्य के लिए क्या करें। स्थायी रूप से कोई काम नहीं है, ना ही कोई स्थायी रूप से कमाई है। अपना खुद का मकान भी नहीं है, किराए के मकान में ही रहकर इतने साल गुजार दिए, अब आगे कैसे जिएंगे? परिस्थिति देखते हैं, कानून बदलते हैं, सोचा आर्थिक स्थिति बदलेगी, लेकिन पैसों के बिना पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पैसे दिए बिना नौकरी भी नहीं मिलती है, बिना पैसे खिलाए प्रमोशन भी नहीं दे रहे हैं। हर चीज में रिश्वत, घूसखोरी, अधर्म, बेईमानी, ये पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हम कैसे जी पाएंगे अपने भविष्य को लेकर एक डर? आज का युवा इसी बारे में सोचता रहता है और सोच सोच कर डर जाता है। क्या इसी तरह आप भी डरे हुए हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर? उसे कहाँ पर पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंट्रेंस एग्जाम लिखने के लिए भी तैयारी करानी पड़ती है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अब आगे क्या होगा? एक बहुत बड़ा डर, ये परिस्थिति देखकर डर लगता है, यही बात है ना? ऐसे में अब क्या करें? प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे लिए हूँ, कल, आज और पूरा अनंत काल। अपने हाथ में रखने वाले परमेश्वर हैं वो। जहाँ कोई मार्ग नहीं, वहाँ वो मार्ग खोल सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं, वहाँ बहुत कुछ बना सकते हैं। वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने भविष्य को लेकर निराश होकर, डर कर,
कैसे जिएंगे सोच सोच कर निराश हो रखे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर निराश बैठे हुए हैं। आपका भविष्य उनके हाथों में है, उन्होंने वचन दिया है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तू आशीर्वादित बन के रहेगा। एक बार ऑस्ट्रेलिया देश में मैं सेवकाई के लिए गया हुआ था और उसी दौरान वहां मेरे एक मित्र से मिलने का एक मौका मिला। वो दक्षिण कोरिया का रहने वाला था, अपने जवानी के दिनों में बहुत कड़ी मेहनत की, पढ़ाई वगैरह की, पढ़ाई से कुछ हासिल करना है, अच्छी नौकरी करके एक ऊंची पोस्ट पर बैठना है, अपने भविष्य को लेकर एक सपना, उसके लिए रात दिन कोशिश करता रहता। उसकी माँ बहुत ही भक्ति से प्रार्थना करती, यीशु पर विश्वास रखती थी, बेटे तू भी चर्च आ, यीशु को खोज, वही तुझे आशीर्वाद देंगे। तो वो कहता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, हम अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं, मैं अपनी काबिलियत से बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा भविष्य मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत पर है, सब मैं देख लूंगा, ऐसा कहता। माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, लेकिन उसने खूब पढ़ाई की, उसके हिसाब से उसे प्रतिफल मिला, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए, एक तरह से देखो तो उसने पढ़ाई में गोल्ड मेडल पाया। अब उसकी इच्छा थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके नौकरी करूं। पता नहीं उसे ऑस्ट्रेलिया से बहुत लगाव था, कईयों को अमेरिका से लगाव होता, इंग्लैंड से, इसी तरह इसे ऑस्ट्रेलिया देश से लगाव था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करके जो थोड़ा बहुत पैसा जमा था उससे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, और वहां पहुंचकर वो नौकरी के लिए ट्राई करने लगा। मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मुझमें काबिलियत है, मैंने फर्स्ट रैंक ली है, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। कई कंपनियों में उसने नौकरी की कोशिश की, इंटरव्यू भी दिए, सबने देखकर कहा कि भैया तुम्हारी पढ़ाई के मुताबिक हमारे पास नौकरी नहीं है, कि तुमने बहुत पढ़ाई की है, तुम बहुत काबिल हो, उसके मुताबिक हमारे पास नौकरी नहीं है। तो उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और ऐसे ही कई महीने बीत गए। जो पैसा लेकर आया था वो सब खर्च हो गया, अब पास में पैसे नहीं है, ना किराया दे पाएगा, ना कुछ खाना खा पाएगा, और अभी तक नौकरी नहीं मिली, भविष्य में बिल्कुल शून्य दिखने लगा। मैंने कितनी अपेक्षा की, मैंने कितनी मेहनत करके पढ़ाई पूरी की, सोचा बड़ा आदमी बन के सिद्ध करूंगा, लेकिन मुझे एक नौकरी तक नहीं मिल रही है। वो बहुत निराश हो गया, इतने प्रयास किए पर सब असफल। अब भविष्य को लेकर एक डर, ठीक है सारे पैसे खर्च हो गए, अब उसने सोचा कि चलो अपने देश ही वापस चले चलता हूँ, लेकिन उसके लिए उसका मन नहीं मान रहा था, वहां जाने पर मैं असफल हो गया बोल के लोगों का अपमान सहना होगा, मेरे साथ पढ़ने वाले वहाँ अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छी कमाई है उनकी, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरा अपमान है, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। देखा आपने, अपने भविष्य को लेकर जब उसका अपना विश्वास डगमगाने लगा तो मरने का विचार आने लगा। बहुत सारे लोग इसी तरह के गलत फैसले लेते हैं, एग्जाम में फेल हो तो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई काम नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा तो आत्महत्या कर लेते हैं, वो शैतान है। आपके लिए परमेश्वर ने आशीर्वादित भविष्य रखा है, उसे जानना ही काफी है। हमारे लिए जीवित प्रभु हैं, आपकी चिंता करने वाले एक परमेश्वर हैं। वो लड़का ये नहीं जानता था, इसीलिए आखिर में ये हुआ कि वो पूरा टूट गया और आत्महत्या करके मरने के लिए ट्रेन में कट के मर जाऊं या समुद्र में डूब कर मर जाऊं सोचकर बहुत ही दुखी अवस्था में रोड पर चल के जा रहा था। आज का दिन आखिरी ये सोच रहा था, तो जब वो पैदल चल रहा था ठीक उसी समय उस रोड की साइड में ही एक कलीसिया चर्च था, और उस चर्च का जो गेट था वो खुला हुआ था। जब वो पैदल चल रहा था तो चर्च की ओर मुड़कर देखा, चर्च का दरवाजा भी खुला था, वहां अंदर लोग नहीं थे, ना ही आराधना का समय था, लेकिन आराधनालय के दरवाजे खुले हैं, कोई भी आके प्रार्थना कर सकता है, इसलिए खुले रखे हैं। अंदर क्रूस भी रखा गया है। जब वो मुड़कर देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि मेरी माँ प्रार्थना करती है, यीशु पर विश्वास रखती है, चर्च में मुझे बुलाया था लेकिन मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, तो चाहे जितनी कोशिश कर ले यीशु ही तुझे ऊंचा उठा सकते, ये माँ ने कहा था। और यही बात उसके मन में उठने लगी कि माँ ने कहा था यीशु मसीह केवल वही आशीर्वाद दे सकते हैं, मैं चारों तरफ से हार गया हूँ, मुझे धोखा ही मिला है, ठीक है आखिर में एक बार यीशु मसीह को ट्राई करके देखता हूँ, ऐसा बोलकर वो उस चर्च के अंदर जाता है। वहाँ कोई नहीं है, अंदर जाके घुटनों पे खड़ा हो जाता है और शांति से, मेरी माँ ने कहा था हे यीशु तुम आशीष देने वाले परमेश्वर हो, तुम ही जीवन सफल बनाते हो, आशीर्वाद देते हो, जय दिलाते हो, माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था हे यीशु
मेरी सहायता करो। अपने भविष्य को लेकर मेरा विश्वास टूट रहा है, मन में आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, मेरी सहायता करो, ऐसी बोल के प्रार्थना की। प्रभु की उपस्थिति ने उसे छुआ। उसे समझ नहीं आया तो वो रोने लगा और प्रभु के सामने उसने मन खोल कर कहा कि मुझे भविष्य को लेकर डर लग रहा है, भविष्य में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मैं मरने की परिस्थिति में आ गया हूँ। अपना मन खोल कर रोया और थोड़ी देर रोने के बाद उसके मन के अंदर एक शांति आती है, पीस। प्रभु ने कहा है ना तुम्हें शांति मिले, और अब उसका भविष्य को लेकर जो डर था वो दूर हो गया और एक शांति आ गई। उसमें जो बदलाव आया उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सारी उलझन दूर हो गई, डर भी दूर हो गया और एक शांति छा गई और एक विश्वास कि मेरे लिए एक आशीर्वादित भविष्य है। मेरी माँ ने कहा था कि यीशु मसीह है, वो मुझे एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे, ऐसा एक विश्वास उसके अंदर आया और वह खुशी खुशी वापस गया। देखिए, प्रभु उसका मार्गदर्शन करने लगे, प्रभु उसे सलाह देने लगे कि बेटे अपने सर्टिफिकेट्स को एक तरफ रख, सबसे पहले ये देख कि कौन सा काम मिल रहा है, पहले खाने पीने का इंतजाम कर। और प्रभु ने एक रास्ता खोला, एक जगह जाकर कोई भी काम दे दो, ऐसे काम मांगा। एक कड़ी मेहनत का काम उसे दिया। उसने सोचा कि ऑफिस में जाके एक चेयर में बैठकर बड़ा ऑफिसर बनूंगा, वैसे ही उसने पढ़ाई की थी ना, लेकिन अब एक मामूली नौकर। प्रभु मुझे ये काम दिलाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। और उसके मन में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई। खूब मेहनत करके, प्रभु के गीत गाकर, स्तुति करके वो काम करने लगा। ये उसके ऊपरी अधिकारी ने देखा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये एकदम अलग है बोलकर एक दिन उसने उसे बुलाया और कहा, तो बहुत ही खुशी से काम करता है और हमेशा खुश रहता है, तो बिल्कुल अलग सा है। मेरे और भी कई सारे बिजनेस हैं, उनमें से एक बिजनेस में तू मेरा पार्टनर बनेगा। इसे आश्चर्य होता है, कैसे पार्टनर बनूंगा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, रोज कमा के रोज खाता हूँ, ऐसे ही जीवन काट रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं चाहिए, तेरी मेहनत ही काफी है, पैसे मैं लगाऊंगा, बस तू मेरा पार्टनर बन जा। अब देखिए प्रभु उसे कहां से कहां ले जा रहे हैं, उसे पार्टनर बना दिया, जो मजदूरी कर रहा था उसे एक बिजनेस में पार्टनर बना दिया। वो अपनी काबिलियत से काम करे, वैसे प्रभु ने आशीष देकर उसका अच्छे से उपयोग किया और बिजनेस उसका और बढ़ने लगा, फैलने लग गया। वो अच्छी प्रार्थना करता, चर्च जाता, यहोवा को खोजता और पा लिया। उसके बाद फिर एक दिन उस अधिकारी ने कहा कि मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, तो बहुत ईमानदारी से मेरे साथ है, इसलिए यह बिजनेस तू ही रख ले। और ऐसे एक बिजनेस का ओनर बन गया। परमेश्वर ने उसे ऐसे उठाया और कितना अच्छा जीवन दिया। मैं जब उससे मिला तो उसकी पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ था और अपना अनुभव मुझे बताया। उसने कहा कि अपने भविष्य को लेकर मैं इतना डर गया था कि आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन यीशु मेरे जीवन में आए, मेरा डर दूर किया, मुझे अच्छा जीवन दिया और आज मैं औरों को नौकरी दे रहा हूँ। इस प्रकार से मुझे मालिक बनाकर प्रभु ने मुझे रखा है। मैं बहुत सों को नौकरी दे रहा हूँ और मेरी जो भी कमाई होती है उनसे मैं कलीसियाओं का निर्माण करवाता हूँ। वहीं तो यीशु ने मुझसे भेंट करके मेरे जीवन को बदला। ये बहुत खुश होकर कहा, मैं रूबरू उससे मिला हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे युवा बेटे, युवा बेटी, तुम्हारे लिए एक आशीर्वादित भविष्य है। शैतान तुम्हें डरा रहा है, कह रहा है कि इस परिस्थिति में तू कुछ नहीं कर सकता है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, कह के डरा रहा है। यीशु कह रहे हैं, तुम मत डरो बेटे बेटी, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हारे लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाला मैं क्या तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करूंगा? क्या मैं तुम्हें अच्छा एक जीवन नहीं दूंगा? तुम्हारे बच्चों को क्या मैं एक उज्जवल भविष्य नहीं दूंगा? तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में ही है, तुम मत डरो, अपना जीवन मेरे हाथ में दे दो, ऐसा कह रहे हैं। उनके हाथों में सौंपेंगे, उन्हें आप मन से स्वीकारेंगे। जीवित यीशु आज आपसे भेंट कर रहे हैं, तुम मत डरो, तुम्हें शांति मिले। डर दूर करके वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब हम प्रार्थना करें, उनके घाव वाले हाथों को देखें, घाव वाला उनका शरीर देखो। किसके लिए? आपके लिए, आपको आशीष देने के लिए। आपके पाप शाप सब वो ढो चुके हैं, क्रूस पर घाव सहने के लिए मेल मिलाप किया प्रभु ने, स्वयं के बलि चढ़ाने वाले प्रभु, क्या आपको आशीष नहीं देंगे? पूरे विश्वास से अपने हृदय पर हाथ रखें, ये डर आज ही निकल जाना चाहिए, चाहे वो कैसा ही डर क्यों ना हो। मनुष्यों को लेकर डर, मरने का डर, अपने भविष्य को लेकर डर, शैतान को लेकर डर, दुष्ट आत्मा को लेकर डर, चाहे कैसा ही डर क्यों ना हो, इसी समय दूर होगा। परमपिता, मेरे साथ प्रार्थना करते इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ।
मत डरो, तुम्हें शांति मिले, ऐसा तुमने कहा है। अपने चेलों का डर निकाल कर उन्हें आनंदित करने वाले प्रभु, इस बेटे से तुम भेंट कर रहे हो, इस बेटी से तुम बात कर रहे हो, इनके मन के अंदर का डर नासरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम्हें शांति मिले, तुमने कहा है। इन अच्छे बेटे के बेटी के मन में परमेश्वर की शांति छा जाए, इनके मन में जो मनुष्यों को लेकर डर है वो निकल जाए। दुष्ट लोग, ईर्ष्या रखने वाले लोग, उकसाने वाले लोग, बुरा चाहने वाले लोगों का जो डर है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। इनका हौसला बढ़े, मन को हिम्मत मिले। मरने का डर लाने वाले दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। नींद छीनने वाली आत्मा, मरने का डर लाकर उकसाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। मृत्यु पर जय पाने वाले, मृत्यु की शक्ति रखने वाले शैतान को पैरों से कुचलने वाले यीशु, उन्हें यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी संतान को आज जय प्राप्त हो। तुम्हारे लहू के सामर्थ्य से ये छुटकारा पाएं। ये अपने भविष्य को लेकर बहुत डरे हुए हैं पिता, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, परिवार को लेकर, भविष्य के जीवन को लेकर, जो डर है यीशु मसीह के नाम से आज ही वो निकल जाए। पढ़ने वाले बच्चों को जय दिलाकर ऊंचे स्थान की प्रतिज्ञा दो। अच्छी नौकरी, स्थायी नौकरी देकर कमाई का मार्ग खोलकर आशीर्वाद दो। एक अच्छा पारिवारिक जीवन देकर, इन्हें इनका अपना घर देकर, आशीर्वाद देकर एक संतुष्ट जीवन दो। कर्ज की समस्या दूर हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इनके मन में जो डर है वो दूर होकर ये संतुष्ट और शांति का जीवन व्यतीत करें, वैसे इन्हें आशीष दो। जल्द ही इनके कार्यों को सफल करो, रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। बीमारी के कारण जो डर है, इस बीमारी ने शरीर पर घात कर दिया है। ये वेदना सहने वाले बच्चों को छुओ, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी लुप्त हो जाए। मृत्यु की बीमारी यीशु के नाम से दूर होकर पूरी तरह लुप्त हो जाए। ये नासूर बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। इसी समय चंगाई, सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे, इन्हें चंगाई मिले, छुटकारा प्राप्त हो। आज से ही इन्हें छुटकारा मिले। जिन कामों में कमी है उन्हें पूरा करके आशीर्वाद दो। जिस काम में भी कोई कमी दिखाई दे रही है और पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी शांति छीनने वाले उन कार्यों में एक अद्भुत चमत्कार हो रहा है। इस महीने में ही वो अद्भुत चमत्कार ये देख पाए, नए मार्ग खुलते हुए ये देख पाए, ये जय पाते हुए देख पाए, छुटकारा पा रहे हैं ऐसा ये बच्चे देख पाए। आज ही इनका सारा डर निकल जाए, शांति और प्रसन्नता मन में समा जाए। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहा है। इनके अपेक्षित कार्यों में चमत्कार करके प्रसन्न करने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमने पा लिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारे संग रहकर हम में वास कर रहे हैं, उस प्रेम के लिए स्तुति हो। अब हम डरेंगे नहीं, हमेशा शांति और प्रसन्नता में बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने चमत्कार कर दिया, आपके मन के अंदर का डर दूर करके अब चमत्कार होते हुए, बदलाव होते हुए आप देखेंगे। रोजाना आप ये वचन बोलकर प्रभु की स्तुति करते रहें। जीवित प्रभु यीशु आपके संग है, इस पर विश्वास रखें। स्तुति करते हुए आगे बढ़िए, चमत्कार देखेंगे। आमीन। फर्दर डिटेल्स एंड प्रेयर सपोर्ट कॉन्टैक्ट जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, नल्लुमवडी, थ्यूटीकॉरन डिस्ट्रिक्ट 628211। आवर फोन नंबर 0443545545। ईमेल info@jesusredeems.org। आवर वेबसाइट www.jesusredeems.com। God bless you.